स्वागत है सभी का क्रास एडुकेट प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट जहाँ तक लॉज ऑफ मोशन में देखा था, वो था इक्विलिब्रियम, उसके आगे इम्पल्स वगैरह हमने देखा था, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली फ्री बॉडी डायग्राम, कैसे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करते हैं किसी भी सिस्टम का, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम इम्पॉर्टेंट है ना आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी ने बोला हमारे पास एक मास है, मान लीजिए एक ब्लॉक है जो ग्राउंड या किसी सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है ना। ये मान लीजिए इसका मास m हो। तो बच्चों, हमको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर ज़रूर लगता है। तो मान लीजिए ये धरती इस पर इस डायरेक्शन में पुश लगा रही है, ये mg लगा रही है धरती, उसे हम लोग बेसिकली क्या बोल देते हैं, ग्रेविटेशनल पुल बोलते हैं। इसे हम वेट के नाम से जानते हैं फिजिक्स में, ठीक है। और ये मान लीजिए अर्थ हो, ये हमारा अर्थ हो, ठीक है ना, और ये अर्थ का सेंटर हो। तो ये जो एम जी लगता है बच्चों, ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लगता है, ये सेंटर है अर्थ का। और इसके बदले में न्यूटन ने बताया था कि जैसी करनी वैसी भरनी, अगर आप किसी पे फोर्स लगाओगे तो सामने वाला भी आप पे फोर्स लगाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट भी अर्थ के सेंटर पर एम जी फोर्स लगाता है, लेकिन अपने सेंटर की तरफ लगाता है। इसका जो अपना एक आने वाले टाइम में पढ़ेंगे आप सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसके अराउंड ये क्या लगाएगा, सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसे बोलते हैं। ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो इस ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, उस डायरेक्शन में ये एम जी फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। और ये दोनों फोर्सेस एक लाइन में मैच करते हैं। तो आने वाले टाइम में ये देखेंगे कि ये एम जी कहाँ पर लाई करेगा, ये वाला फोर्स बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट पे कहाँ पे एक्ट करता है, ये हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास या रोटेशनल मैकेनिक्स जब पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। बट यहाँ के लिए बेसिक चीज़ कि ये जो मास है ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ खींचा जाएगा, और अगर एक फोर्स लगता है तो बदले में एक और फोर्स आता है एक्शन और रिएक्शन पेयर जनरेट करने के लिए। तो एम जी अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन इसका कोई अर्थ पर असर नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो जिस सरफेस पर आपने इस ऑब्जेक्ट को रखा है, उस सरफेस पर एक एम जी टाइप का फोर्स फील होता है, जो कि ये ऑब्जेक्ट नहीं लगाता, अर्थ लगाता है। बट बदले में क्या करता है, ये जो सरफेस है ये इस पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में पुश लगाता है, जिसे हम लोग नॉर्मल रिएक्शन के नाम से आगे हम जानेंगे। इसे हम लोग नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं या नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। किसी ने बोला यार हमको इस ब्लॉक को अकेले देखना है, मतलब इस पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, ये आप ड्रा करिए। तो दैट इज़ नोन एज फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक, ऐसे बोल दीजिए ए नाम दे दीजिए। तो हम लोग यहाँ पे ड्रा करेंगे FBD, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक ए, ठीक है ना। हमने ए का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करना है, तो ये मान लीजिए हमारा ए ब्लॉक है, इसका मास हमारा क्या है, एम है, अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है एम जी से। बदले में जो ये सरफेस है बच्चों, उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में पुश लगा रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स। और वो किधर लगाया जाएगा, इस डायरेक्शन में लगाया जाएगा। ये नॉर्मल फोर्स एन से लिख दीजिए या कैपिटल आर से लिख दीजिए, ठीक है, बातें एक ही हैं, ठीक है। तो ये जो हमने डायग्राम बनाया, दैट इज़ नोन एज फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक ए, क्लियर है। तो ऐसे बहुत सारे फ्री बॉडी डायग्राम हमें बनाने। मान लीजिए एक दूसरा एग्जाम्पल हम आपके लिए लें, एक सरफेस है, ये हमारा ग्राउंड मान लीजिए, या सरफेस मान लीजिए, ये ग्राउंड मान लीजिए, ये ब्लॉक ए है, इसका मास m1 है, ये ब्लॉक बी है, इसका मास m2 है ना। तो किसी ने बोला सर m1 और m2 के लिए क्या करिए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, पहले इस पर धरती द्वारा फोर्स लगाए गए जितने हैं उसको पहले लिख दीजिए कि भाई m1 जी लगेगा अर्थ के सेंटर की तरफ। तो बदले में ये वाला जो सरफेस होगा, इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स देगा, इसको हम लोग बोल दिए R1, और इसको भी धरती अपने तरफ खींचेगा M2G से। तो बदले में ये वाला सरफेस भी इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, दैट इज़ नोन एज R2, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखना है M1 के लिए एंड M2 के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम FBD ऑफ ब्लॉक ए। ब्लॉक ए के लिए जब आप FBD ड्रा करने जाएंगे, तो बेसिकली देखेंगे ये ब्लॉक ए है, ये M1 इसका मास है, तो अर्थ इसको क्या कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में M1G से खींच रही है। तो देखिए एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लगा अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज़ नोन एज R1। और बदले में ये M2G डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, जो कि इस सरफेस पर लग रहा होगा, ए के अपर सरफेस पर लग रहा होगा,
तो हम लोग यहाँ पे एक फोर्स और बनाएंगे, दैट इज़ नोन एज m2g, दैट इज़ नोन एज m2g किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ये फ्री बॉडी डायग्राम हमने बनाया किसके लिए बच्चा, फॉर ब्लॉक ए के लिए, क्लियर है। ऐसे ही ब्लॉक बी के लिए अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहेंगे, ये ब्लॉक बी है आपका, ये बी ब्लॉक है, ये इसका मास m2 है, तो अर्थ इसको खींच रही है किधर, अपने अर्थ मतलब अपने तरफ, अपने सेंटर की तरफ m2g से, तो बदले में ये वाला ए वाला जो है अपर सरफेस जो है ए का, ये r2 रिएक्शन दे रहा है किधर, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा इसका r2 फोर्स, है ना। और ये fbd किसका हमने बनाया बच्चों, fbd ऑफ ब्लॉक बी बनाया है, ठीक है ना। तो अगर बेसिक चीज़ अगर आप ड्रा करना सीख जाते हैं तो इसके आगे का मैकेनिज्म आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये छोटे छोटे कुछ एग्जांपल्स हैं, आगे हम लोग इससे कुछ छोटा छोटा और एग्जांपल देखते हैं, जो थोड़ा कैलकुलेटिव टाइप का नज़र आए उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। चलिए मिटाते हैं इसको, चलिए एक एग्जांपल करते हैं आपके लिए कुछ ब्लॉक्स वगैरह से रिलेटेड। मान लीजिए आपके पास क्या हो, मान लीजिए एक 5 kg का आपके पास एक ब्लॉक हो, इसके ऊपर हमने एक 3 kg का ब्लॉक रख दिया, इसका नाम ए रख दीजिए और इसका नाम बी रख दीजिए, है ना। ये आपका कोई ग्राउंड हो गया, सरफेस हो गया। किसी ने बोला फ्री बॉडी डायग्राम हमको ड्रा करना है ए और बी का, जी की वैल्यू यहाँ पे आप मान लीजिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मान लीजिए 10 m/s², ठीक है ना। इसके लिए FBD आपको ड्रा करना है, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बी पहले ड्रा कर लीजिए, फिर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए ब्लॉक ड्रा कर लीजिए। दोनों ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम ड्रा करें तो बेसिकली हमको पता है अर्थ इसको अपने तरफ खींच रही है 5g से, 5g का मतलब होता है 5 × एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो बदले में ये जो ग्राउंड है इस पर एक रिएक्शन फोर्स देगा r1 ऊपर की ओर, ठीक है। और 3 kg को भी अर्थ अपनी तरफ खींचेगा 3g से, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन आपने कर दिया, तो बदले में ये वाला ए वाला सरफेस अपवर्ड डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स देगा, दैट इज नोन एज r2। तो चलिए FBD बनाते हैं किसका, ब्लॉक बी का। तो ये अगर हम लोग बोले ये हमारा ब्लॉक बी था, कौन सा ब्लॉक था, बी ब्लॉक था, और हमने ये देखा कि ये 3 kg का ब्लॉक है, अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है, 3g की वैल्यू हमने बोला है 10 कंसीडर कर लीजिए, तो 3 × 10 कंसीडर कर लीजिए, इतना न्यूटन का अर्थ डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, तो r2 रिएक्शन आपको मिल जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। r2 रिएक्शन क्या मिलेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। किसी ने पूछा क्या ये ब्लॉक मूव कर रहा है, किसी ने पूछा आपसे क्या ये ब्लॉक मूव कर रहा है, आपने बोला नहीं सर नहीं मूव कर रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक बी अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या है बेटा, 0 है। ये ब्लॉक ऊपर नीचे कहीं आ जा नहीं रहा है, इसका मतलब ये रेस्ट पे है, दैट मीन्स कि इसका एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में क्या है, 0 है। आपने न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में सोचा और न्यूटन बाबा ने आपको कुछ कहानी बताई है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ नेट फोर्स बराबर होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स बराबर होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बी अलॉन्ग वाई एक्सिस, आपको पता है एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। अगर एक्सेलरेशन 0 होगा तो बेसिकली नेट फोर्स भी 0 होगा, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स भी 0 होगा। नेट फोर्स की वैल्यू अगर आपको कंसिडर करनी है तो r2 आपका ऊपर लग रहा है, देखिए r2 ऊपर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये 30 N लगेगा जो धरती खींच रही है इसको, तो ये हो जाएगा 30 N डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये बराबर हो रहा है किसके, 0 के, तो r2 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 N हो जाएगा। यानी कि नॉर्मल रिएक्शन सेकेंड ब्लॉक पे जो लग रहा है, ये जो ए वाला सरफेस सेकेंड वाले ब्लॉक बी पे लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू कितनी है, 30 N है, 30 N। अब बात करते हैं FBD बनाएंगे हम लोग किस ब्लॉक का, ए ब्लॉक का। तो सबसे पहले आप ए ब्लॉक को आइसोलेट कर लेते हैं, 5 kg का इसका मास दिया गया है, इसका नाम है ए ब्लॉक, है ना। हमने देखा कि अर्थ इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, कितने फोर्स से भैया, 5g से। 5g का मतलब होता है 5, इसका 5 kg मास है, g का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो 5 × g की वैल्यू 10 दिया है, इतना न्यूटन का डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आया, और ये नॉर्मल रिएक्शन जो ये ग्राउंड दे रहा है इस 5 kg वाले ब्लॉक पे, ये अपवर्ड डायरेक्शन में दे रहा है, तो ये हो जाएगा r1, ये क्या हो जाएगा आपका, r1। और हमने देखा कि इस 3 kg का जो ब्लॉक है ये इसको पुश कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में 3g से, दैट मीन्स कि 30 N से, 30 N से डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा है, तो इसको भी आप यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये 30 N से धरती भी इसको नीचे खींच रही है, मतलब इसको
इसके ऊपर ए वाले ब्लॉक के अपर सरफेस पे 30 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है ब्लॉक बी के द्वारा, है ना। तो क्या किसी ने पूछा आपसे कि ये बताओ कि ये जो ब्लॉक बी है क्या इसका कोई एक्सेलरेशन है वाई डायरेक्शन में? आपने बोला सॉरी, ब्लॉक ए का कोई डायरेक्शन है मतलब नेट एक्सेलरेशन का? तो आपने बोला नहीं सर, कहीं मूव नहीं कर रहा है। तो वाई एक्सिस पे इसका एक्सेलरेशन आप लिखेंगे इक्वल टू जीरो। अब हमने बात की न्यूटन बाबा के सेकेंड लॉ की, किसकी? सेकेंड लॉ की। तो आपने बोला नेट फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ठीक है एफ नेट की वैल्यू आप लिखने जाएंगे बेटा, तो क्या लिखेंगे? मास ऑफ ब्लॉक ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इन वाई डायरेक्शन, ठीक है ना। अब हमको पता है वाई डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, तो मास गुणे जीरो करोगे तो जीरो आ जाएगा, यानी कि नेट फोर्स अबाउट वाई एक्सिस अगर देखेंगे फॉर ब्लॉक ए इक्वल टू जीरो आएगा। तो नेट फोर्स की वैल्यू हमको दिखा यहाँ पे क्या आया, बराबर जीरो आया। नेट फोर्स का मतलब क्या हो गया, आर वन ऊपर लग रहा है और 30 न्यूटन और ये 50 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। 30 न्यूटन 50 न्यूटन किधर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो एफ नेट के बारे में अगर किसी ने आपसे बात किया तो आप क्या लिखेंगे, एफ नेट इज इक्वल्स टू आर वन माइनस ये 50 न्यूटन और 30 न्यूटन, यानी कि 50 न्यूटन माइनस 30 न्यूटन इज इक्वल्स टू जीरो लिखेंगे। तो किसी ने पूछा आर वन की वैल्यू क्या हो गई, तो आप बोलेंगे 30 न्यूटन और ये 50 न्यूटन उस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 80 न्यूटन, यानी कि नॉर्मल फोर्स जो ग्राउंड लगा रहा है ब्लॉक ए पे वो 80 न्यूटन का लगा रहा है ऊपर दिशा में। बात समझ में आया? तो ये एफबीडी था, बेसिकली एफबीडी के बेसिस पे हमने एक छोटा सा एग्जांपल देखा कि कैसे अर्थ का जो फोर्स है यानी कि ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शंस आ रहे हैं ब्लॉक ए और बी के बीच में एंड ग्राउंड और ब्लॉक ए के बीच में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और एग्जांपल लेते हैं। किसी ने बोला यार हमारे पास थ्री ब्लॉक्स थे, कितने ब्लॉक्स थे, थ्री ब्लॉक्स थे, हमारे पास तीन ब्लॉक है, एक का मास मान लीजिए 5 kg, इसका नाम ए रख दीजिए, ये 5 kg का ऑब्जेक्ट है, फिर आपके पास 3 kg का ऑब्जेक्ट है, इसका नाम बी रख दीजिए, फिर आपके पास 2 kg का ऑब्जेक्ट है, इसका मास इसका नाम आप सी रख दीजिए, है ना। जी की वैल्यू आपको वही 10 m/s² कंसीडर करना है, ठीक है ना। अब किसी ने बोला यार हमको फाइंड आउट करना है नॉर्मल रिएक्शन बाय द ग्राउंड ऑन ब्लॉक ए, ये ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड है, नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड ऑन ए एंड नॉर्मल रिएक्शन बाय ए ऑन बी, नॉर्मल रिएक्शन ऑन सी बाई बी, ये सारी छोटी छोटी बातें आपको कैलकुलेट करनी है। तो हमने सबसे पहले आपको बोला देखो धरती इसको खींचेगी 2g से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसको धरती खींचेगी 3g से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसको धरती खींचेगी 5g से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, ये अगर धरती खींच रही है तो ग्राउंड पे एक फोर्स लगाया, ग्राउंड पे फोर्स लग रहा है बेसिकली, बदले में ग्राउंड भी क्या करेगा, एक रिएक्शन फोर्स देगा इस ब्लॉक पे, ए वाले ब्लॉक पे अपवर्ड डायरेक्शन में, फिर ए वाला ब्लॉक देगा बी वाले ब्लॉक पे अपवर्ड डायरेक्शन में, फिर बी वाला ब्लॉक देगा सी वाले ब्लॉक पे अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन। इसको मैंने बोला आर टू, इसको मैंने बोला आर थ्री। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, आर वन आर टू एंड आर थ्री, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एफ बी डी बनाएंगे फॉर ब्लॉक सी, ये एफ बी डी हम लोग ड्रा करने जा रहे हैं फॉर ब्लॉक सी, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक सी, चलिए बनाते हैं। नाम क्या है, सी है इसका, और इसका मास कितना दिया है सवाल में, 2 kg दिया गया है ना। किसी ने आपसे पूछा क्या ये ब्लॉक वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा, आपने बोला नहीं, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक सी इन वाई डायरेक्शन क्या लिखेंगे आप, जीरो लिखेंगे, क्लियर है। हमने देखा कि अर्थ इस पे फोर्स लगा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कितने न्यूटन से भाई, 2g से, 2g का मतलब हो गया जी की वैल्यू 10 है, तो ये 20 न्यूटन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। और हमने देखा ब्लॉक बी सी पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ये हमारा क्या है, R3 है, क्या नाम हमने दिया है, R3 दिया है, कितना दिया है, R3, ठीक है ना। तो हमको पता है न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, नेट फोर्स बराबर होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट सी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट सी इन वाई डायरेक्शन, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हमने बोला यार इसको चलो ड्रा करते हैं, एफ नेट की वैल्यू क्या लिखेंगे, R3 माइनस 20 न्यूटन इज इक्वल्स टू, नेट फोर्स कितना आया, जीरो आया है, तो R3 की वैल्यू हमारी क्या हो गई भाई, 20 न्यूटन हो गई सर,
ये R3 की वैल्यू हमने नजर आई कितनी, 20 न्यूटन। फिर हम बात करेंगे FBD बनाएंगे किसके लिए, ब्लॉक बी के लिए। तो FBD ड्रा करें किसके लिए भैया, ब्लॉक FBD या ब्लॉक बी। अब देखिए ब्लॉक बी पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2G, तो बदले में इन्होंने रिएक्शन दिया था R3, ठीक है ना, तो 2G डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा, फिर 3 kg को खींचा जा रहा है किधर, 3G से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो बदले में R2 एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो ब्लॉक बी के बारे में जब कोई बात करा आपसे, ये हमारा ब्लॉक बी था, इसका मास दिया है 3 kg, एक फोर्स लग रहा है जिसका नाम है भैया 2G, यानी कि 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसका खुद का वेट किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि हो जाएगा 3 × 10 दैट विल बी इक्वल टू 30 न्यूटन। और बदले में ये ए ब्लॉक बेसिकली इस पर R2 रिएक्शन फोर्स दे रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, कितना दिया, R2 रिएक्शन फोर्स दिया अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये R2 हो गया, ठीक है ना। क्या इस ऑब्जेक्ट के पास कोई एक्सेलरेशन है, आपने बोला नहीं सर नहीं, अब कोई मतलब किसी भी एक्सेलरेशन से ये नहीं चल रहा है, तो एक्सेलरेशन आप ब्लॉक बी अलॉन्ग वाई एक्सिस आपने देखा क्या आया, जीरो आया, क्या आया, जीरो। अब आपको पता चला यार नेट फोर्स निकालना है न्यूटन के सेकेंड लॉ के हेल्प से, तो आप लिखेंगे मास ऑफ ब्लॉक बी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी इन वाई डायरेक्शन, और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आपको क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, ठीक है। तो नेट फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। अब नेट फोर्स कौन कौन दे रहा है, R2 ऊपर लग रहा है, 20 न्यूटन नीचे लग रहा है, और 30 न्यूटन भी नीचे लग रहा है, तो आप कैसे लिखेंगे, ऊपर वाले फोर्स को पॉजिटिव मान लेंगे, R2 माइनस 30 न्यूटन माइनस 20 न्यूटन बराबर क्या लिख देंगे भैया, आप जीरो लिख देंगे, ठीक है ना। तो 30 न्यूटन और ये 20 न्यूटन उस तरफ जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, तो R2 की वैल्यू क्या आ गई भाई, 50 न्यूटन आया, कितना न्यूटन आया, 50 न्यूटन, ठीक है सर, ये भी समझ में आया। अब बात करेंगे ब्लॉक ए के लिए, ब्लॉक ए का भी ऐसे FBD ड्रा करेंगे, फॉर ब्लॉक ए फ्री बॉडी डायग्राम FBD ऑफ ब्लॉक ए, FBD ब्लॉक ए का बनाना है आपको। आपने बोला यार देख FBD अगर ए के लिए बनाया रहे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में R2 रिएक्शन लगेगा भैया, ये कपल ऑफ फोर्सेस लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अगर बोल दिया जाए ये अपवर्ड डायरेक्शन में पैदा कर रहा था, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको फील होगा कि हाँ भाई कोई और पुश कर रहा है, तो R2 अगर बनाना चाहें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनाइए, R2 की वैल्यू हमने देखा 50 न्यूटन आया है, क्योंकि देखिए ए ब्लॉक पे इसका भी भार पड़ेगा और इसका भी भार पड़ेगा, तो टोटल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए के सरफेस पे ऊपर वाले सरफेस पे कितना पड़ेगा, 50 न्यूटन का पड़ेगा, दैट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये 5G से तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचा ही जा रहा था। तो किसी ने पूछा R1 की वैल्यू क्या होगी, चलिए किसी ने आपसे पूछा क्या है ए ब्लॉक किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आपने बोला नहीं सर नहीं मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इन वाई डायरेक्शन क्या है, जीरो है, इसका नाम क्या है ए, मास कितना है 5 kg, डाउनवर्ड डायरेक्शन में धरती इसको खींच रही थी कितने न्यूटन से, 50 न्यूटन से, ठीक है ना, और बदले में ये रिएक्शन फोर्स लगाया जा रहा है ग्राउंड के द्वारा, कौन से डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, R1 हो गया, और R2 हमने बताया कि अगर ये पैदा हो रहा है तो ये कपल ऑफ फोर्स में पैदा होगा एक्शन और रिएक्शन, तो R2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में सीधे लगा दीजिए, यानी कि चाहे 50 न्यूटन लगाइए सीधे, चाहे R2 लगाइए, नीचे बात एक ही है, ठीक है। फिर आप किसको याद करेंगे, न्यूटन के सेकेंड लॉ को याद करेंगे भैया, नेट फोर्स बराबर क्या होता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए इंटू वाई डायरेक्शन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए इन वाई डायरेक्शन, इसकी वैल्यू क्या है भैया, जीरो है, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन वाई डायरेक्शन क्या है, जीरो है, तो नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे दैट मीन्स कितना लग रहा है, जीरो। तो आपको कैसे पता चला, नेट फोर्स कैसे लिखेंगे आप, ये R1 किधर लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है, और R2 और ये 50 न्यूटन किधर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, तो आप लिखेंगे कैसे, R1 माइनस 50 न्यूटन माइनस R2 इज इक्वल्स टू जीरो लिखेंगे, ठीक है। ये जीरो क्यों लिखा गया, क्योंकि ये हमारा क्या आ रहा है, नेट फोर्स की वैल्यू जीरो आ रही है, इसको जब आप सम करेंगे तो R1 की वैल्यू क्या आएगी, 50 न्यूटन प्लस R2, है ना, ये नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, कौन, धरती लगा रहा है एक ब्लॉक ए पे अपवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R2 की वैल्यू आपने पीछे कैलकुलेट किया था 50 न्यूटन आया था, तो R1 विल बी इक्वल टू 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि ये जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में लग रहा है, R1 की वैल्यू क्या आ रही है, 100 न्यूटन आ रही है, और R2 की वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट किया है, 50 न्यूटन कैलकुलेट किया है, और R3 की वैल्यू हमने पहले क्या कैलकुलेट किया, अपवर्ड डायरेक्शन में 20 न्यूटन, ठीक है ना। तो ये ऐसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, चाहे ब्लॉक
एक रखा हो, चाहे दो रखा हो, चाहे तीन, चाहे पाँच, चाहे दस, बेसिक स्टेप क्या है, एक्सेलरेशन देख लेना है, जिस डायरेक्शन में आप नेट फोर्स को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, और फ्री बॉडी डायग्राम आप आराम से बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है कि हमने देखा कि जैसे एक ऑब्जेक्ट को पिक कर लीजिए और उस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं इंडिविजुअली किसी भी डायरेक्शन में उसको लगा दीजिए, और इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये हो गया कि नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में भी मिल रहा है, जैसे भी मिल रहा है, उसकी वजह से उस पर क्या एक्सेलरेशन आ रहा है ये कैलकुलेट करना होता है। तो बी ब्लॉक पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वाई डायरेक्शन में आपने कैलकुलेट कर लिया, और नेट फोर्स की वैल्यू हमने देखा हर ऑब्जेक्ट पे जीरो आ रहा, बिकॉज सारे के सारे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। क्लियर है? तो ये छोटे छोटे कुछ एग्जांपल्स थे, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्री बॉडी डायग्राम्स, और कैसे फाइंड आउट करते हैं कॉन्टैक्ट रिएक्शन, रिएक्शन फोर्स, टेंशन इन द स्ट्रिंग, है ना, फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।